नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संगीता स्पेन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समर फ्रूट के बारे में। समर फ्रूट यानी कि वो फल जिन्हें हम गर्मियों में ले सकते हैं, जिनसे हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि गर्मियों में हमें बार बार प्यास लगने की समस्या होती है। और अगर हम इस समस्या पर लापरवाही दिखाते हैं या बार बार पानी नहीं लेते तो हमें डिहाइड्रेशन और लू लगने की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सभी जानकारियाँ दूंगी कि ऐसे कौन कौन से फल हैं या हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे डिहाइड्रेशन या लू की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहली बात, तो गर्मी हो या सर्दियाँ, जब भी कोई भी सीजनल फल आता है, सीजनल फ्रूट्स आते हैं कि जो उस सीजन में होते हैं, उन फ्रूट का यूज करना चाहिए। साथ ही आपको मौसमी फलों को लेने के साथ साथ आपको लिक्विड फॉर्म में और भी जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको भी लेना चाहिए, जैसे नींबू पानी या बनाना शेक, मैंगो शेक, ये जो भी चीज़ें हैं, नारियल पानी, इन सभी चीज़ों का यूज भी करना चाहिए। और गर्मी में सबसे बेस्ट माना जाता है छाछ को, जो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, जब भी हमें मौका मिले हमें छाछ लेनी चाहिए। सीजनल फ्रूट्स लेने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी तो पूरी होती है, साथ ही हमारी बॉडी में जो पानी की कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। जैसे हम अनानास, सेब, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, खरबूज, संतरा, अनार, ऐसे बहुत से फ्रूट्स हैं जिन्हें लेकर हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। अनानास के जूस या अनानास के यूज करने से हमें 87% तक पानी मिलता है, साथ ही ये विटामिन सी का भी एक स्रोत है, जिससे हमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में मिलता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। खरबूज का यूज करने से हमें डिहाइड्रेशन की समस्या तो नहीं होगी, साथ ही हीट स्ट्रोक से भी हमें बचाएगा। खरबूज में पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन जैसे पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी खरबूज बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, और ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा फल होता है। इसलिए गर्मी के मौसम में आप खरबूज का सेवन आराम से कर सकते हैं। आम का सेवन करने से भी हमें गर्मी में बहुत से पोषक तत्व तो मिलते हैं, साथ ही इसमें विटामिन ए और सी, सोडियम, फाइबर और 20 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जो आपको गर्मी से तो बचाते ही हैं। इसके साथ ही अगर आप मैंगो शेक बनाते तो आपको साथ ही इसमें दूध भी मिल जाता है, जो हमारे शरीर को बहुत ही पोषक देता है। और अगर आप गर्मियों में आम पन्ना पीते हैं तो ये तो आपके लिए और भी फायदेमंद होता है। हम अपने बॉडी में पानी की कमी पूरी करने के लिए डेली एक सेब खा सकते हैं। सेब अनेक बीमारियां तो ख़त्म करता ही है, साथ ही सेब में 86% तक का पानी होता है और ये जरूरी न्यूट्रिशन भी देता है हमें। सेब हमारे दिल के लिए अच्छा है, साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी और मिनरल्स दांत और हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं, तो सेब हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इससे बहुत से फायदे मिलते हैं, इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि रोज़ एक सेब खाना चाहिए। गर्मियाँ आते ही तरबूज और नारियल पानी की सबसे ज़्यादा यूज होता है, और तरबूज को तो समर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 90% तक पानी होता है और इसलिए इसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। साथ ही इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। स्ट्रॉबेरी हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट का भी एक अच्छा स्रोत है। एक्सपर्ट की माने तो कहा जाता है कि स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी और बहुत से ऐसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। इसमें 91% तक का पानी भी होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। माना जाता है कि गर्मियों के मौसम में अगर आप रोजाना 1 कप स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो आपको 100 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, इसलिए डेली कोशिश करें कि आप 1 कप स्ट्रॉबेरी खाएं। संतरे बूढ़े सभी के लिए फायदेमंद होता है और इसे हर व्यक्ति खा सकता है। संतरे की तासीर ठंडी भी होती है, इसमें 88% तक का पानी होता है, साथ ही ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है और इसमें कैल्शियम और फाइबर भी होता है। गर्मियों में इस फ्रूट का सेवन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। खीरा, खीरे में 95% तक का पानी होता है, इसमें विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी बहुत से पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है। खीरा बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये हमारे स्किन के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी बेनिफिशियल होता है। गर्मियों में हम टमाटर का यूज कर सकते हैं। टमाटर हमें हर सीजन में मिल जाता है। टमाटर का यूज हम
सब्जी के रूप में भी करते हैं और सैलेड के रूप में भी। टमाटर में 95% तक का पानी होता है। गर्मी के दिनों में आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, और इस क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, फोलेट और फाइबर, पोटेशियम, ये सभी पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। साथ ही हमें गर्मियों में डिहाइड्रेशन या लू से बचने के लिए अपने खान पान में भी बदलाव लाना चाहिए, और मौसम भी हो सके हम तेल वाली चीज़ें कम खाएं, तली भुनी चीज़ें कम खाएं। गर्मी में हल्का और सादा भोजन करना चाहिए। और जड़ के विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग संगीतासबेन.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इसकी हर एक जानकारी दी हुई है, उस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपके सुझाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू।